तो यो 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 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके भाई के चैनल पे जिसका नाम है शक्तिस क्रिएशन। और आज हम यहाँ आए हैं जुन्नर में, आज हम कर रहे हैं सिंदोड़ा फोर्ट का ट्रैक। और आज हमारे साथ है प्रथमेश दाइनवे, इनको अपने आपने हटकेश करके व्लॉग में देखा होगा, जो हमारा फेल हुआ था इनके वजह से उस व्लॉग में देखा होगा। ये भाई राहुल भाई अपने, ये यहाँ के ही लोकल है। आज आशा है पैडी भाई से राय ना लेके हम इनके राय पे चलेंगे तो ये सिंदूला का फोर्ट जरूर करेंगे। ये उपासना सिंह द इंडी ट्रैवलर, ये हमारे साथ पहली बार जुड़ चुके हैं अपने चैनल पे। और ये अपना भाई जो अपने हर वीडियो में रहता है और हर वीडियो में आएगा ही, और आज बस से आए वो भी बोलना एस टी महामंडल वाट वाइन पर एस टी डिजाइन। तो गाइस इस तरह से हम ये व्लॉग शुरू कर रहे हैं। अभी हम पाइथे पे फोर्ट के, तो अभी यहाँ से जा रहे धीरे धीरे, तो देखना आप एंजॉय करना, बहुत अच्छा सिनेमैटिक व्लॉग होगा ये। तो चलो मिलते हैं रास्ते में, बाय बाय। ये अभी जो सामने दिख रहा है बादलों में वो है सिंदूला फोर्ट, वहाँ पे जा रहे हैं हम अभी। तो ये काफ़ी नज़दीक दिख रहा है यहाँ से, ऐसा है नहीं। काफ़ी खूबसूरत माहौल में हम ऐसे ट्रैक कर रहे हैं, अभी शायद 1.5 घंटा हो गया है। यहाँ पे नज़ारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार, जस्ट लुक एट दिस। जहाँ पे भी देखोगे ऐसे चारों तरफ सह्याद्री के वादियों में हम, और वहाँ पे पिंपरगाँव जोगवा डैम है। तो पिछली बार हम हटकेश्वर में आए थे तो वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ का टाइम लैप्स हमने पोस्ट किया था वो हटकेश्वर के ब्लॉग में। नहीं देखा है तो यहाँ पे हटकेश्वर का लिंक डाल रहा हूँ, वो चेक करना, वो भी अच्छा था। तो चलो ट्रैक कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से ऊपर जाना है शायद। ये ऑफ बिट ऐसा रोड है यहाँ से ऊपर जाना है, तो देखते हैं। अभी ये लोकल्स बोल रहे हैं कि यहाँ से है रास्ता, पर वो हमें लॉन्ग रूट लग रहा है क्योंकि वो अननेसेसरी घुमा के लेके जा रहा है। तो हम एक ट्राई करते हैं कि यहाँ से जाते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा रास्ता मिलता है, अगर मिलेगा तो आपको बताएंगे। चलो ये जंगल अभी बहुत घना हो चुका है और हम पूरे ऐसे नीचे बैठ के ही ट्रैक अभी कर रहे हैं। चलो चलो, चलो। और फाइनली बहुत चलने के बाद और बहुत सिनेमैटिक शॉट्स यहाँ पे कैप्चर करने के बाद अब यहाँ पे सामने दिख रहा है सिंदूला फोर्ट। पर यहाँ पे अथर्व भाई और हमारे पैडी भाई एक बार आ चुके हैं, और वो राहुल भाई जो है वो भी आ चुके हैं। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे दिख रहा है, मतलब वो फोर्ट आया नहीं है,
उसको पूरा गोल घूम के उसके अंदर जाना है। तो ये सीन है एक्चुअली इस फोर्ट का। तो देखते हैं, जहाँ तक नजर जाएगी भाई पूरे सह्याद्री के माउंटेन से फैले हुए हैं। नाइस। वो है सिंधुला फोर्ट और यहाँ पे एक जो पर्वत है वहाँ से जाएंगे फिर वहाँ सिंधुला फोर्ट पे चलेंगे। चलो बाबा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वेट फॉर अ सेकंड, ये चेहरा देखो, इतनी देर तो दबंग जो बन रही थी, द इंडी ट्रैवलर, द इंडी ट्रैवलर का ये एक्सक्लूसिव फुटेज आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा। चलो यार, वो इतना बड़ा क्रैप तो भी तक गंदी सी शक्ल का कि मतलब मैं बोला 100 साल जिए वो नाग, अभी बोला अभी आ रहा है। तो तुम सांप की बातें कर रही थी, तेरे को वो निकला रंग बिरंगा सा, मैं क्या करती। संभाल के, स्पीड बढ़ता जा रहा है, पिस्टन भी बढ़ता जा रहा है। हाथ से ना हमें तो तेरे जमत ना चल ना इतना पाटो कुठला इतना आहे वाट नाही आहे नाही आहे लास्ट टाइमच गेलेलो रे मी नाही मग जाऊन चेक कर घेऊन जा नाही वरतून नाही दिसते ना पण तसं संभाल के हाथ दो आराम से कोई भी। हाँ ग्रिप ग्रिप सही से जमाओ। आ गए होल्ड करो साथ। संभाल के सांस लो, सिर्फ सांस लो। नीचे कैसे उतरेंगे ये सोच के अभी से पट रही है। वो सोचोगे तो ऊपर नहीं जा पाओगे। मिट्टी और ये दीदी ये फाइनली संग्रामगढ़ यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ। ये दरवाजा है इसका, तो सिंधोला को शायद मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता पर अभी जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ देख रहा हूँ सिंधोला को शायद संग्रामगढ़ भी बोलते होंगे। इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट्स। तो यहाँ पे आ गया अभी संग्रामगढ़ का दरवाज़ा, तो अभी जाते अंदर देखते। चलो नाइस शिट। Woohoo!
फाइनली उस दरवाजे से होकर हम यहाँ तक तो आ गए। अभी सामने पर्वत दिख रहा है, शायद सिंधोला फोर्ट का एक पार्ट है, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ पे कुछ गणेश जी की मूर्ति है, बहुत ही प्राचीन है वो देखते हैं। चलो दोस्तों, अगर आप यहाँ से जहाँ से हम आए हैं आपने देखा, अगर यहाँ से सीधा सीधा ऊपर आते हो आपको दिखेगा कि यहाँ पे रोड हो सकता है, क्योंकि वो दो पर्वतों के बीच में ऐसे दरवाजे से जैसा लग रहा है, जैसे नॉर्मली हर महादरवाजा होता है किसी भी किले का, तो वैसा मत करना। अभी हम यहाँ इतना डेंजरस ट्रैकिंग करके आ रहे हैं और यहाँ पर भी पूरा डेंजरस सीन है और यहाँ पर पूरा डेड है, ये पूरा डेड एंड है। डेंजर पैच उतरना है और फिर से शायद वहां से ढूंढना होगा रास्ता। संभल के आना। और ये नॉर्मली एक शो है फेमस, मैन वर्सेस वाइल्ड, हमारे साथ वाइल्ड वर्सेस मैन हो रहा है। तो ये भी ठीक है। अभी और वहाँ से आता है थोड़ा यहाँ पे रिस्की पैच है, वहाँ से धीरे धीरे आना और वहाँ से आते हो, वहाँ से नीचे उतर के वहाँ से एक पाईवर्ड दिख रही, पाईवर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं कमेंट में बताना, मुझे पता नहीं है, सॉरी। संभल संभल के जा रहे हैं, ये दो भाई आगे हैं। चलो साहब, ये जो अभी दिख रहा है ना सीन भाई, इसी की तलाश में 6 महीने 8 महीने हो चुके हैं। वैसे ही घर आए बिना मॉनसून के, ये मॉनसून का नज़ारा है भाई। मैजिकल व्यू ऑफ दिस सह्याद्री इन मॉनसून। अगर ड्रोन होता ना क्रू में किसी के पास भी, ये बादलों से निकल कर ऐसा आता ना यहाँ पे भाई, स्मूथ फुटेज आता, स्मूथ। चलो कोई ना, वाह।
फाइनली वहाँ पे एक झंडा दिख रहा है, भगवा झंडा। तो अभी तो होप है यार कि ये ऊपर जो मैंने बताया था गणेश जी की मूर्ति है, तो गणेश जी की मूर्ति शायद वहाँ पे हो सकती है ऐसे चांसेस है, क्योंकि अपना भगवा झंडा दिख रहा है वहाँ पे। लास्ट होप है, बहुत बहुत ज़्यादा चढ़ के आए। ये दिख रहा है, ये पूरा स्टीप है, खड़ा स्टीप है, वहाँ से चढ़ के आए, तो देखते हैं अभी। चलो वाह, फाइनली ये दिख गया, ये दिख गई गणेश जी की मूर्ति, गणपति बप्पा मोरिया। फाइनली 2.5 घंटे के बाद, 2.5 घंटे का इंटेंस ट्रैक करने के बाद यहाँ पे पहुँचे गणपति बप्पा मोरिया। वहाँ पे बजरंग बली दिख रहे हैं, वहाँ पे बजरंग बली की जय। ये ट्रैक बहुत याद रहेगा भाई, ये शायद ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगा कि हम जिस रास्ते से आए वो शायद इतना डिफिकल्ट होगा, पता नहीं, अभी देखते हैं। अभी फाइनली आ तो चुके हैं, फोर्ट एक्सप्लोर करते हैं कहाँ क्या है सिचुएटेड, देखते हैं। चलो नाइस यार, यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है ना भाई, ये पूरा ओतूर गाँव है। ओके, तो यहाँ से ओतूर गाँव का एक लैंडस्केप इतना अच्छा दिखता है भाई, और आगे भी देखते हैं क्या क्या दिखता है। एकदम से अरे मेरी दाढ़ी भी इधर हो रही है, क्या करे यार, हवा का यहाँ पे सडनली हवा का झटका आता है, झोंका भी नहीं झटका आता है, पूरा इंसान हिल जाता है उससे। पानी की टाकी है, ऐसे शायद और भी है, सामने दिखाता हूँ। तो ये ऐसे पानी के टाके थे बेसिकली, एक दो तीन चार पाँच, वो स्टार्टिंग में भी दिखाता ना कोई, छः शायद, तो शायद छः पानी की टाकी यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा वाटर रिसोर्स है, पर कुछ ऐसे लग रहे हैं कि यूज़ करने लायक नहीं है। और ये सामने जो है पिंपड़गांव जोगा डैम, जो हमने हटकेश्वर भी देखा था पहले, नाइस, काफ़ी सीरीन ऐसा लैंडस्केप है। अगली बार शायद आएंगे जुन्नर तो ड्रोन होगा अपने पास, गॉड नोज होगा तो देखना। चलो आगे बढ़ते, देखेंगे शायद। ये नज़ारा देखो भाई, वहाँ से हम आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट किया था ट्रैक, अभी वो भी नहीं पता चल रहा है कि यहाँ से आए थे। तो अभी इतना सारा, इतने सारे पर्वत लांघकर हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये पूरा ऐसे हवा आ रही है अभी, बहुत ठंडी हवा ये।
गाइज जरा ऑनेस्ट रिव्यू हो जाए जरा इन टू मिनट्स. ये स्टार्ट फ्रॉम पैडी द प्रथमेश दाइनवे. आई नेवर टुक द लीड बट इस ट्रैक में फर्स्ट टाइम मैंने लीड ली एंड इट वॉज वर्थ इट. एक अलग एक्सपीरियंस था जब बप्पा को देखा तो इट वॉज ऑल वर्थ इट. सो यस दैट्स इट दैट्स इट. राहुल द लीडर बॉय, राहुल द जिम करना रहा बॉय. आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मैं यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ पर उसमें से इस टाइम जो क्लाइमेटिक सिचुएशंस थी और जो पत्थरों पे शेवाड़ आया था वो बहुत ही ज़्यादा कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो चुकी थी. तो अब जो कंडीशन है इस टाइम की वो मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगी. आज तक मैं 4 से 5 बार आया होगा उसमें से. हवा 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 का आवाज़ सुना, यही कंटिन्यू चल रहा है. इंडी द व्लॉगर इंडी द ट्रैवलर ट्रैवलर द इंडी. आप आपका बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो मेरे साथ ये ग्रुप के साथ? मैंने बहुत ट्रैक करी है, उत्तराखंड में भी करी, हिमाचल में भी करी, महाराष्ट्र में भी आके ट्रैक करी है. बट अभी तक की सबसे डेयरिंग, सबसे खतरनाक और ऐसा लगे कि बस अभी तो मैं गई मर गई वो वाली फीलिंग इधर आई है. अब भगवान जी को देख के ऐसा लग रहा है ना, लिटरली भगवान जी को अभी देख लिया, थैंक गॉड देख लिया, नहीं तो मुझे तो नीचे ऐसा लग रहा था कि सीधे ऊपर पहुँच के दर्शन होने वाले अभी मेरे. इससे पहले कौन सा था जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था? कोई तो डिफिकल्ट नहीं लगा इसके इससे पहले. इससे पहले बस ऐसे होते थे कि हाँ लंबे होते थे, थक जाते थे, बट खतरनाक नहीं लगते थे कि जान गई मर गए बस. वापस सिंदूर फोड़ आओगे? नहीं जिंदगी में नो. अगले जन्म में अगले जन्म में तो मैं चाहूंगी भगवान मेरे को ऐसी हॉबी ना दे कि मैं ट्रैकर बनूं जाके. ये डीमोनेटाइज कर रहा हूँ मेरे को. आता रहो भाई. ट्रैक जो है वो बहुत एडवेंचरस और थ्रिलिंग था. तो अगर आप लोगों को भी एक एडवेंचरस और थ्रिलिंग ट्रैक पे जाना है तो सिंदोड़ा इज़ अ गुड ऑप्शन. लेकिन ट्रैक लेवल जो है वो डिफ़िकल्ट है. पैकेज भी बता दो कितने में लेके जा रहे हैं. यस तो अभी बप्पा सबको दिख रहे हैं तो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति बट ये इतनी खतरनाक थी कि मेरी ऑलमोस्ट बहुत फटी है. मतलब अगर ये लोग नहीं होते तो अगर मैं अकेली होती तो आप जिंदा होंगे. और अगर ये गैंग रहेगा तो लिटरली आप जिंदा रहोगे क्योंकि इतना अच्छा ग्रुप. मैं भी रहूंगा तो जिंदा रहूंगा. ऐसे मैं मिसलीड मत करो, इनका चैनल ढूंढेंगे. और गाइस ट्रैकर ग्रुप मेरे को